हेलो गाइस, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट चैप्टर, 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर था डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब कि इस अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मीन्स हम हैं, अगर हम अपने दोस्त से अपना कंपैरिजन करते हैं तो हम अपने दोस्त के जैसे ही दिखाई देते हैं, हम अपने पेरेंट्स के जैसे दिखाई देते हैं और अदर ह्यूमन बींग के जैसे दिखाई देते हैं। और अगर हम अपना कंपेयर किसी मंकी से करें तो क्या हम उसकी चीज़ दिखाई देते हैं? कुछ करेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं, कुछ नहीं मिलती, मगर लेकिन हम एक्सटर्नली हम बता सकते हैं कि ये मंकी है और ये ह्यूमन बींग है। और अगर हम अपना कंपेयर किसी गाय से करें, काऊ से करें, तो वो तो बहुत ज़्यादा कंट्रास्टिंग करेक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, हम दो पैरों पर चलते हैं, वो चार पैरों पर चलते हैं। ओके, तो हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कंट्रास्टिंग करेक्टर्स हैं। तो इस अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, इवन ये छोटा सा बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया इतना छोटा होता है कि हम उसको विदाउट माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते, जबकि एक व्हेल कितनी बड़ी होती है। ठीक है, और इंसेक्ट, आई मीन टू से कि सो मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं, एनिमल्स हैं। ओके, एनिमल्स तो हैं, लेकिन उस एनिमल्स की करेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हैं। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि जितने भी ऑर्गेनिज़म्स हैं, भले ही वो इंसेक्ट हैं, प्लांट्स हैं, या एनिमल हैं, या बैक्टीरिया है, उनको बेस्ड ऑन दियर करेक्टरिस्टिक्स, बेस्ड ऑन दियर सेल स्ट्रक्चर्स, उनको अलग अलग ग्रुप में क्लासीफाइड किया। तो हम इस चैप्टर में क्या जानेंगे, हम इस चैप्टर में जानेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मतलब अलग अलग साइंटिस्ट आए, साइंटिस्ट ने मोर कंसेप्ट दिए, मोर क्लासिफिकेशन किया ऑर्गेनिजम्स का बेस्ड ऑन देयर करेक्टरिस्टिक्स। आओ देखते हैं क्या क्लासिफिकेशन किया। ओवरव्यू ऑफ द डिफरेंट किंगडम। अब किंगडम क्या होता है, जैसे कि जो प्लांट्स से रिलेटेड है, प्लांटी किंगडम, जो एनिमल्स है किंगडम एनिमिलिया, जो बैक्टीरिया हैं वो किंगडम मोनेरा। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट आया था वो एरिस्टोटल। ओके, एरिस्टोटल ने क्या किया, एरिस्टोटल ने सिर्फ किसके बारे में बताया था, प्लांट्स के बारे में बताया था कि प्लांट्स होते हैं। ठीक है, उन्होंने एनिमल्स के बारे में कुछ नहीं बताया था, जबकि उसके बाद आए थे कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने दो किंगडम दिए थे, प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया। अब थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। अब प्लांटी और एनिमिलिया से काम तो नहीं चलेगा। प्लांटी मतलब कि कुछ ग्रीन थे, कुछ नॉन ग्रीन होते हैं। ओके, कुछ सेप्रोफाइट्स होते हैं, कुछ ऑटोट्रॉफिक होते हैं। प्लांट्स में भी अलग अलग वेराइटीज़ होती हैं और एनिमल्स की वेराइटीज़ अलग अलग होती है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स अलग होते हैं, उनका करेक्टर अलग होता है, और एक इंसेक्ट का करेक्टर अलग होता है, फिश का करेक्टर अलग होता है। तो एनिमिलिया को हम एक एनिमिलिया में ही हम सारे ग्रुप हम क्लासीफाइड नहीं कर सकते, सारे ग्रुप को हम डिस्कस नहीं कर सकते। तो इस एनिमिलिया को भी डिवाइड किया गया। ओके, तो अभी तो पहले थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किया, किसने दिया था, अर्नेस्ट हेकल इन 1866। सबसे पहले उन्होंने क्या दिया, प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा। उसके बाद प्लांटी और एनिमिलिया। ओके, अब उसके बाद फोर किंगडम, जैसे कि बैक्टीरिया के बारे में किसी ने बताया नहीं था। ठीक है, अब के बैक्टीरिया वाले जो जो ऑर्गेनिजम्स थे वो मोनेरा में रखे गए, तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमिलिया। ठीक है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, आर एच विटेकर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट, 1969 में दिया था। तो आर एच विटेकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमिलिया। अब सिक्स किंगडम से पहले एक यूनिट और होती है जिसे कहते हैं हम डोमेन। तो थ्री डोमेन था, सिक्स किंगडम था, थ्री डोमेन सिक्स किंगडम।
एक डोमेन में आर्किबैक्टीरिया, एक डोमेन में आर्किबैक्टीरिया, सबसे पहले जो बैक्टीरिया आए थे आर्किबैक्टीरिया आए थे, इनकी करेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि ये एक एक्सट्रीम एनवायरनमेंट, जो एक्सट्रीम टेम्परेचर का एनवायरनमेंट होता है उसमें भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल देखेंगे आगे। आर्किबैक्टीरिया एक डोमेन में, देन बैक्टीरिया अदर डोमेन में, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया को डोमेन 3 में डिवाइड किया गया। अब इनके बारे में डीप जानेंगे हम, आगे देखते हैं। डोमेन, फर्स्ट डोमेन जैसे कि किंगडम, किंगडम ओके, किंगडम कौन सा, बैक्टीरिया, किंगडम बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और टू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, यूकैरियोट्स, देखो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिवाइड किया गया, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिवाइड किया गया। प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया आया, दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एक तो ट्रू बैक्टीरिया और एक आर्की बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया, जबकि यूकैरियोट्स जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोट्स जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है, जैसे कि प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। इसके बारे में हम देखेंगे सेल टाइप। एक बैक्टीरिया क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोट्स। सेल स्ट्रक्चर कैसी होती है बैक्टीरिया की, सेल स्ट्रक्चर पेप्टाइडोग्लाइकेन, सेल वॉल बनी होती है, सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, जबकि आर्की बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं होता। ओके, देखो दो तरह के बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया एक ट्रू बैक्टीरिया और एक आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया सबसे पहले देखे गए थे, उसके बाद यू बैक्टीरिया आए, यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं बिकॉज इनकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन है, यूनिसेलुलर है, तो आर्की बैक्टीरिया भी यूनिसेलुलर है। ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ दोनों तरह के होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स मतलब कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं, हेटरोट्रॉफ जो अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं। ये सिर्फ ये भी ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ दोनों होते हैं। इनके एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेरिचिया कोलाई, ओके, जबकि आर्की बैक्टीरिया के एग्जाम्पल हैं मेथेनोजन एंड द हेलोफाइल्स, मेथेनोजन एंड हेलोफाइल्स। ये तो बैक्टीरिया का बेसिक पॉइंट्स। अब यूकैरियोट्स में देखेंगे प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। प्रोटिस्टा में आता है अमीबा, पैरामीशियम, स्लाइम मोल्ड और जाइंट कैल्प। देखो प्रोटिस्टा को यूकैरियोट्स में रखा गया, इसकी सेल वॉल किसकी बनी हुई थी, सेलुलोज की बनी हुई थी, सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई थी। किसी किसी प्रोटिस्टा में क्लोरोप्लास्ट होते थे, अगर क्लोरोप्लास्ट होते हैं ऑर्गेनिज्म में तो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या है, कुछ प्रोटिस्टा फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, जैसे यूग्लिना, यूग्लिना एक ऐसा प्रोटिस्टा में आता है जो कि फोटोसिंथेसिस करता है, यूनिसेलुलर होता है। ओके, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ कॉलोनियल होते हैं और कुछ मल्टीसेलुलर होते हैं। ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ दोनों में डिवाइड किया गया है, अमीबा, पैरामीशियम, स्लाइम मोल्ड और जाइंट कल्प। फंजाई, अब फंजाई यूकैरियोट्स होती है, फंजाई यूकैरियोट्स है, इनकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। मोस्ट मल्टी सेलुलर होते हैं जबकि कुछ यूनिसेलुलर होते हैं। हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स नहीं होते। मशरूम और एस मतलब अपने खाने के लिए हमेशा दूसरों पे डिपेंड करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेते हैं, सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं। ओके, प्लांटी, प्लांटी यूकैरियोट्स, प्लांटी तो हमें पता है यूकैरियोट्स होते हैं क्योंकि मल्टीसेलुलर होते हैं। ओके, सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स होते हैं क्योंकि क्लोरोप्लास्ट होते हैं इसके अंदर, ठीक है। एग्जांपल क्या है, मोसिस, फॉन, फ्लावरिंग एंड प्लांट्स एंड एनिमिलिया। एनिमिलिया यूकैरियोट्स होंगे, सेल वॉल नहीं होती किसी भी एनिमल में, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होते, मल्टीसेलुलर, हेटरोट्रॉफ्स जैसे स्पॉन्ज, वॉर्म्स, इंसेक्ट, फिशेज एंड मैमल्स। तो ये क्या है, हमारे एनिमल्स। तो हमने क्या पढ़ा, किंगडम्स पढ़े हैं, अलग अलग किंगडम्स के बेसिक्स पॉइंट्स पढ़े हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल स्ट्रक्चर, सेल टाइप, नंबर ऑफ सेल, मोड ऑफ देयर न्यूट्रिशन। ओके, अब हम देखेंगे किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा मीन्स बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की स्टडी की जाती है किंगडम मोनेरा में। किंगडम बैक्टीरिया आर द ग्रुप अंडर फोर कैटेगरीज मतलब सिफेरिकल, जिसकी स्ट्रक्चर सिफियर होती है, वो सिफेरिकल कोकाई, जिसे हम बोलते हैं कोकाई,
जिसकी स्ट्रक्चर रोड शेप होती है उसे बेसिलस बोलेंगे, और जिसकी स्ट्रक्चर कोमा शेप होती है उसको क्या बोलेंगे, विब्रियो, और जिसकी स्ट्रक्चर स्पाइरल होती है उसको क्या बोलेंगे, स्पाइरेलम, बेस्ड ऑन देयर शेप। कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं और हेटरोट्रॉफ्स भी होते हैं। ओके, अब आर्किबैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया क्या होते हैं, हेलोफाइल। हेलोफाइल का मतलब क्या होता है, जो सलाइन कंडीशन में, सलाइन कंडीशन में मतलब जो साल्टी एरिया, साल्टी एरिया कौन सा होता है, ओशन वाटर भी ग्रो कर सकते हैं, हाईली सलाइन कंडीशन में ग्रो कर सकते हैं। थर्मोफाइल, थर्मोफाइल मतलब हाईली टेम्परेचर में भी ग्रो कर सकते हैं। दीज बैक्टीरिया लीव्स इन हॉट स्प्रिंग एंड हाई एसिडिक एरिया में भी ये ग्रो कर सकते हैं, मतलब कि अगर जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, जितना मतलब अगर आप देखो कि गर्म तवा है, एक गर्म तवे पे अगर आप कुछ बूंदे डालते हो तो क्या होगा कि वो बूंदे कुछ ही सेकंड में वेपोरेट हो जाती है। इतना ज़्यादा टेम्परेचर पहले अर्थ का था, ठीक है, इस अर्थ पर जो पानी था, इस पानी में ये इतनी ज़्यादा एक गर्म उबलते हुए पानी के समान था, इस पानी में इतने टेम्परेचर पर ही ये बैक्टीरिया ग्रो कर सकते थे, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, हेलोफाइल्स कहते हैं और थर्मोफाइल्स कहते हैं। यू बैक्टीरिया की बात करें तो ट्रू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया को क्या क्या बोलते हैं, ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। रिजिड सेल वॉल होती है, अगर ये मोटाइल होते हैं तो इनमें फ्लैजेलम होता है, फ्लैजेलम मतलब कि ये मोटाइल करने में इन्हें मदद करता है, मोटाइल मतलब कि मूवमेंट करना। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ मतलब कि ऐसे बैक्टीरिया जो अपना खाना खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, खाना बनाते हैं, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है, ग्रीन प्लांट्स से होते हैं। साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर होंगे, कोलोनियल फिलामेंटस, टेरेस्ट्रियल एल्गी। ओके, जिलेटिनस शीट होती है, इसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन करते हैं, फिक्स करते हैं। हेट्रोसाइट्स प्रेजेंट होती है, क्या प्रेजेंट होती है, हेट्रोसाइट्स प्रेजेंट होती है इनके बीच में, जिसे कहते हैं नोस्टोक एनाबीना। एग्जांपल क्या है, नोस्टोक एनाबीना, कौन से ऑर्गेनिज्म में हेट्रोसाइट प्रेजेंट होती है, नोस्टोक एनाबीना में। ओके, अब कीमोसिंथेटिक, कीमो मतलब केमिकल सिंथेसिस। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ऑटो मतलब अपना न्यूट्रिशन खुद बनाते हैं, कैसे क्या बनाते हैं, ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि नाइट्रेट, नाइट्राइट्स, अमोनिया, जैसे राइजोबियम होते हैं ना, राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है रूट नोड्यूल्स में, वही है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। प्ले है ग्रेट रोल इन द रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट लाइक द नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और सल्फर। हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, जो अपना न्यूट्रिशन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म डिपेंड करते हैं, जैसे सेप्रोट्रॉफ्स, जैसे ब्रेड मोल्ड, जैसे कि सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पर ग्रो करते हैं, जैसे उन्हें कहते हैं हम डीकम्पोजर, जो सड़े हुई चीज़ें होती हैं उन पर ग्रो कर जाते हैं, उनको खा लेते हैं, तो उसे कहते हैं डीकम्पोजर। ओके, द मेजोरिटी आर द इम्पॉर्टेंट डीकम्पोजर, दे आर हेल्पफुल मेकिंग द कर्ड फ्रॉम मिल्क, मिल्क कर्ड कौन बनाता है, मिल्क से बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, हमने पढ़ा था पहले भी। प्रिडिक्शन ऑफ द एंटीबायोटिक फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यू रूट, अब एक्टिविटी है, मेंशन वन एग्जांपल ऑफ द बैक्टीरिया फ्रॉम ईच बेनिफिट, मतलब कि ऐसा कोई बैक्टीरिया बताओ जिससे हमें बेनिफिट होता है। बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, सबसे पहले तो हम पढ़ चुके हैं लैक्टोबैसिलस जिससे कर्ड बनती है, और कुछ पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी होते हैं जो हमें हार्मफुल करते हैं और हमें डिसीज कॉज भी कर सकते हैं। ओके, हमारी फार्मिंग को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो ऐसे कौन से बैक्टीरिया आपको बताना है। कॉमन बैक्टीरियल डिसीज़ कौन कौन सी होती है, जैसे ट्रिपैनोसोमा। ओके, जैसे कि कॉमन बैक्टीरियल डिसीज़ कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि क्लोस्ट्रिडियम हो गया, साल्मोनेला टाइफाई हो गया, टाइफाइड होता है, तो बहुत सारी डिसीज़ होती हैं जो बैक्टीरियल डिसीज़ है। ओके, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा मीन्स एक ऐसा बैक्टीरिया जिसमें सेल वॉल नहीं होती, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जिसमें सेल वॉल नहीं होती, आप बोलेंगे माइकोप्लाज्मा। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल एंड प्लांट्स। माइकोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसमें सेल वॉल नहीं होती, सबसे छोटा होता है। अब इसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है बैक्टीरिया का, एसेक्सुअल भी कर सकते हैं और सेक्सुअली भी कर सकते हैं। एसेक्सुअल कैसे करते हैं, बाइनरी फिजन और स्पोर फॉर्मेशन,
कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कंजुगेशन के थ्रू होता है. ओके, किंगडम प्रोटिस्टा. किंगडम प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा है मीन्स प्रोटोजोआ, प्रोटिस्टा है मीन्स प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ की अलग और 3 or 4 ऑर्गेनिजम्स आएंगे जिसमें हम पढ़ेंगे. इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, सिंगल सेल्ड होते हैं, सिंगल सेल्ड है. ओके, यूकेरियोट्स है, सिंगल सेल्ड यूकेरियोट. रिप्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं, सेक्सुअली एंड सेक्सुअली. एग्जांपल हैं क्राइसोफाइट्स. क्राइसोफाइट्स में के एग्जांपल आएंगे डायटम एंड गोल्डन एल्गी. क्राइसोफाइट्स एंड गोल्डन, क्राइसोफाइट्स में कहेंगे डायटम एंड गोल्डन एल्गी. अब इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, दे आर द माइक्रोस्कोपिक, फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट. डायटम आर चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन. डायटम ओवरलैपिंग शेल विच फीड टुगेदर एज इन द सोप बॉक्स. द वाल आर एम्बेडेड विद द सिलिका. मतलब कि ये इसकी डायटम की स्ट्रक्चर कैसी होती है, सिलिका से घिरी हुई होती है, सिलिका से घिरी होती है जिसकी वजह से प्रोटेक्ट होती है, इनडिस्ट्रक्टिबल होगी. डायटम इज अर्थ. डायटम हैव लेफ्ट बिहाइंड द लार्ज अमाउंट ऑफ द सेल. लार्ज अमाउंट ऑफ द सेल डिपॉजिट इन देयर हैबिटेट. देयर एक्यूमुलेशन मोर बिलियंस ऑफ द ईयर इज रेफर टू एज द डायटमेशियस अर्थ. ओके, यूजेस क्या हैं इसकी, यूज इन द पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ द ऑयल एंड सीरप. तो क्राइसोफाइट्स में हमने कौन सी एग्जाम्पल देखी, डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी. डेनोफ्लेजलेट्स. डेनोफ्लेजलेट्स मतलब कि डेनोफ्लेजलेट्स को हम क्या बोलते हैं, रेड टाइड्स. याद रखिएगा डेनोफ्लेजलेट्स को हम क्या बोलते हैं, रेड टाइड. डेनो मतलब कि टू, फ्लेजला मतलब फ्लेजला. एक टू फ्लेजला होते हैं इसमें, ठीक है. एक तो अलग से होता है और एक इसकी मेम्ब्रेन में से लाइज होता है. मोस्ट मरीन एंड द फोटोसिंथेटिक. ओके, समुद्री पानी में होते हैं, फोटोसिंथेटिक होंगे. इनमें पिगमेंट होता है, कौन कौन से पिगमेंट होते हैं, येल्लो ग्रीन ब्राउन और एल्गी. स्टफ सेलुलोज प्लेट्स होती है, वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड ट्रांसवर्सली फ्लोरो बिटवीन द सेल प्लेट्स. एक फ्लैजेला जो कि लॉन्गिट्यूडनली होता है और एक इसकी सेल प्लेट से टच होता है. क्योंकि इसमें पिगमेंट्स होते हैं तो ये क्या देते हैं, समुद्री पानी को कैसे बना देते हैं, रेड बना देते हैं, जिसे कहते हैं रेड टाइड्स. रेड टाइड किसकी वजह से आता है, डेनोफ्लेजलेट्स की वजह से आता है. इसको हम क्या बोलते हैं, रेड डेनोफ्लेजलेट्स और गोनेलेक्स. ओके, एक टॉक्सिन भी सीक्रेट करते हैं. टॉक्सिन सीक्रेट करने की वजह से क्या होगा कि कुछ फिशेज, जो फिशेज होंगी वो किल हो जाएंगी. यूग्लिनॉइड्स. यूग्लिनॉइड मतलब यूग्लिना. यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है प्रोटिस्टा किंगडम का, जो कि फोटोसिंथेसिस करता है. ये स्टेगनेंट वाटर का मतलब होता है, जो पानी रुका हुआ होता है उसमें ये प्रेजेंट होते हैं. इंस्टेड ऑफ अ सेल दे हैव अ प्रोटीन. इसके अंदर एक प्रोटीन होती है जिसे कहते हैं पेलिकल. इसकी वजह से इसकी बॉडी फ्लैक्सीबल होती है. सिर्फ फ्लैजेला आप देख रहे हो, टू फ्लैजेला होते हैं, ठीक है. दे आर द फोटोसिंथेटिक, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, लेकिन जब सनलाइट नहीं होती तो ये हेटरोट्रॉप्स की तरह ये काम करते हैं. ओके, स्लाइम मोल्ड. स्लाइम मोल्ड, सेप्रोफाइट्स. सेप्रोफाइट्स का क्या मतलब होता है, ऑर्गेनिज्म दैट ग्रोज ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर. ये देख रहे हैं आप, ये क्या बना देते हैं, सिस्ट बना देते हैं अपने चारों तरफ. मतलब एक पूरी कॉलोनी बन जाती है. इस कॉलोनी को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम. क्या बोलते हैं इसको, प्लाज्मोडियम. स्लाइम मोल्ड्स की करेक्टरिस्टिक्स है, जब इनको एनवायरनमेंट एडवर्स कंडीशंस होती है, जब इनको सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं मिलता तो ये अलग अलग हो जाते हैं. अलग अलग हो जाने की वजह से इनकी फ्रूटिंग बॉडीज बन जाती हैं. इनके सरफेस पर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि इनको मदद करते हैं, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट. ओके, सर्वाइव करने में नहीं मदद करते हैं. इसकी वजह से ये द स्पोर्स आर डिस्पर्स बाय द एयर करंट. प्रोटोजोआ. अब प्रोटोजोआ के बारे में हम पढ़ेंगे. प्रोटोजोआ कितने टाइप्स के होते हैं, अमीबॉइड, फ्लैजेलेटेड, सीलिएटेड, स्पोरोजोआ. अमीबॉइड मतलब जिसमें सूडोपोडिया प्रेजेंट होता है. अमीबॉइड जिसमें कि सूडोपोडिया प्रेजेंट. सूडोपोडा मतलब फॉल्स फीट. इस फीट की वजह से जब इनके कॉन्टैक्ट पे खाना आता है, इनका इनका फूड आता है, तो इस
अपने सुडोपोडोइड फॉल्स फीट को ये खोल देते हैं और इसे एनगल्फ कर लेते हैं। फॉल्स फीट को बोलते हैं सुडोपोडिया, फ्लैजिलेटेड मतलब जिसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, ओके, सीलिएटेड मतलब जिसमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं, स्पोरोजोआ जिसमें कि स्पोर प्रेजेंट होते हैं। एक्टिविटी करनी है मैच द प्रोटोजोआ ऑर्गेनिज्म विद देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप, मतलब कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं आपको इन सबसे मैच करना है। अब किंगडम फंजाई, किंगडम फंजाई हेटरोट्रॉप्स है, ओके, हेटरोट्रॉप्स है मतलब सेप्रोफाइटिक होती है, दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेते हैं, ठीक है, और सेप्रोफाइट्स होते हैं, पैरासाइट्स भी होते हैं, सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स होंगे। और लाइकेंस, लाइकेंस सुना आपने, लाइकेंस क्या है, एक एसोसिएशन है फंजाई प्लस एल्गी, लाइकेंस किसका एसोसिएशन है, फंजाई प्लस एल्गी, ठीक है, दोनों का एक दूसरे से फ़ायदा होता है। एल्गी फंजाई को खाने देती है जबकि फंजाई एल्गी को शेल्टर देता है। और एक दूसरे एग्जांपल है माइकोराइजा, माइकोराइजा मतलब रूट एसोसिएशन, मतलब रूट्स के साथ ये लिंक्ड होते हैं, कौन फंजाई, जिसे कहते हैं माइकोराइजन। एक्सेप्ट ईस्ट, ईस्ट के अलावा फंजाई फिलामेंटस होती है, ओके, देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द हाइफी, मतलब कि सपोज ये फंजाई है, इसको क्या बोलते हैं हाइफी, इसको क्या बोलते हैं हाइफी, और ये हाइफी किससे अटैच होता है, इसे बोलते हैं माइसीलियम, क्या बोलते हैं इसको, माइसीलियम। द नेटवर्क ऑफ द हाइफी इज नोन एज द माइसीलियम, ओके, जो इसका जो लॉन्ग ट्यूब होती है उसको हाइफी बोलते हैं, और ये जिस बेसल बॉडी से अटैच होते हैं उसको क्या बोलते हैं, माइसीलियम। सेल वॉल ऑफ द फंजाई कंपोज्ड ऑफ द काइटिन, इंपॉर्टेंट है काइटिन, किस ऑर्गेनिज्म की सेल काइटिन से बनी होती है, फंजाई पॉलीसाइक्राइड, काइटिन एंड पॉलीसाइक्राइड से बनी होती है। रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसका, फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग। एसेक्सुअल स्पोर्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द एसेक्सुअल स्पोर्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द फॉलोइंग स्टेप, प्लाज्मोगैमी, कार्योगैमी एंड पोस्ट जाइगोटिक मियोसिस। जैसे कि प्लाज्मोगैमी, कार्योगैमी मतलब मल्टी न्यूक्लियस होता है, पोस्ट जाइगोटिक म्यूसिस रिजल्टिंग इन द हैप्लोइड सेक्सुअल स्पोर इन एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, अलग अलग तरह की फंजाई होती है, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड इंटरवीनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज, डबल एन इज प्रेजेंट, डबल एन का मतलब क्या होता है, कार्योगैमी, कार्योगैमी का मतलब होता है कि टू एन, टू न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं एक ऑर्गेनिज्म में। दिस कंडीशन इज नोन एज द डाइकारियन और द डाइकारियन फेस, ओके। फंजाई के बारे में देखेंगे कुछ, फाइकोमाइसिटीज कितने टाइप की होती है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज जिसे सेक फंजाई भी कहते हैं, बेसिडियोमाइसिटी पफ पोल भी कहते हैं, ड्यूट्रोमाइसिटी इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं हम देखते हैं, इसका हैबिटेट कैसा होता है, कैसे रहते हैं। फाइकोमाइसिटीज एक्वाटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, पानी वाले एनवायरनमेंट में रहते हैं, पैरासिटिक होते हैं, जबकि एस्कोमाइसिटी सेक फंजाई डीकम्पोजर होते हैं, मतलब कि सेप्रोफाइट्स होते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर पर ग्रो करते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज पफ बॉल भी कहते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज का एग्जांपल होता है एगेरिकस, जिसे मशरूम कहते हैं, मशरूम देखा है ग्रो करता हुआ, ठीक है, तो बेसिडियोमाइसिटीज में आता है मशरूम। सेप्रोफाइटिक पैरासिटिक ग्रो ऑन सॉइल लॉक्स एंड ट्री। ड्यूट्रोमाइसिटीज को इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम देखेंगे आगे। सेप्रोफाइटिक पैरासिटिक एंड डिकम्पोजर। स्ट्रक्चर ऑफ द माइसीलियम कैसा होता है, को एनोसाइट, को एनोसाइट का मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड। एस्कोमाइसिटीज सेप्टेट और ब्रांचेस, सेप्टेट ब्रांचेस, सेप्टेट ब्रांचेस। एसेक्सुअल स्पोर, जूस्पोर और एप्लैनोस्पोर, जूस्पोर और एप्लैनोस्पोर कोनेडिया बनते हैं, इसमें एसेक्सुअल स्पोर एब्सेंट होंगे, इसमें कोनेडिया बनेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जाइगोस्पोर, सेक्सुअल और एसेक्सुअल अलग अलग रिप्रोडक्शन होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डन बाय द जूस्पोर और द एप्लैनोस्पोर, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जाइगोस्पोर बाय द फ्यूजन ऑफ द टू गैमेट्स। एग्जाम्पल है इसके राइजोपेस, जो एक ब्रेड मोल्ड होती है ना, ब्रेड सड़ जाती है, उसके ऊपर फंगस लग जाती है, रोटी पे फंगस लग जाती है, क्या बोलते हैं उसको, राइजोपस कहते हैं। एल्ब्यूगो, पैरासिट ऑन द मस्टर्ड।
इकोनेडिया होते हैं इसमें, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द एस्कोस्पोर एंडोजीनियसली प्रोड्यूस इन द एस्काई प्रेजेंट ऑन द एस्कार्प, ओके, एस्परजीनस क्लेविसेप न्यूरोस्पोरा एक्सटेंसिवली इन द जेनेटिक वर्क, मतलब लैब में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है एस्कोमाइसेटिस का, मोरल एंड ट्रफल्स, ओके, बेसिडियोमाइसेटिस मशरूम, मशरूम क्या है, बेसिडियोमाइसेटिस है, ओके, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस ऑन द बेसिडियम प्रेजेंट ऑन द बेसिडियोकार्प, एगारिकस का नाम होता है, एगारिकस किसे कहते हैं, मशरूम को कहते हैं, अस्टीलेगो स्मर्ट पक्सिनिया रस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये लर्न करने हैं आते एग्जाम में। ड्यूट्रोमाइसिटिस इम्पैक्ट फाइव फंजाई होती है क्योंकि इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सीन नहीं है, सीन नहीं है, डिफाइंड नहीं है, सो कॉल्ड इम्परफेक्ट फंजाई। अल्टरनेरिया क्लोइट्रोइकम ट्राइकोडर्मा, ओके, हम देख सकते हैं मशरूम, बेसिडियोमाइसिटिस, रस्ट फंजाई, स्मर्ट फंजाई, ईस्ट क्लेविसेप, ट्रफल्स और राइजोपस, ओके, एग्जाम्पल है। अरेंज द फंगस इन देयर रेस्पेक्टिव क्लासेस, को आपको उनकी क्लासेस में डिवाइड करना है, कौन सा एस्किमाइसिटीज है, कौन सा बेसिडियोमाइसिटीज है, ओके। किंगडम प्लांटी, अब हम बात करेंगे किंगडम प्लांटी, प्लांटी में मल्टी सेलुलर होंगे, ओके, क्लोरोफिल होगा, फोटोसिंथेसिस करते हैं, यूकेरियोट्स होंगे, फ्यू मेम्ब्रेन आर द पार्शियली हेटरोट्रॉफिक, इंसेक्टिवोरस प्लांट, देखो प्लांटी में जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑटोट्रॉफिक्स भी होते हैं और हेटरोट्रॉफिक्स भी होते हैं, ऑटो मतलब कि जो फोटोसिंथेसिस करेंगे, हेट्रो मतलब जो अपना न्यूट्रिशन किसी अदर ऑर्गेनिज्म में लेंगे, जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स एग्जांपल ऑफ द इंसेक्टिवोरस प्लांट ब्लैडर वॉर्ट एंड वेनस फ्लाई ट्रैप, एग्जाम्पल ऑफ द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, कस्क्यूटा पैरासाइट है, प्लांटी ऑटोट्रॉफ्स हेटरोट्रॉफ्स, हेटरोट्रॉफ्स में सेप्रोट्रॉफ्स और पैरासाइट्स दोनों आते हैं, ओके, द प्लांट सेल हैव सेल वॉल मैनी मेड ऑफ द सेलुलोज की बनी होती है, प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, सेप्रोट्रॉफ्स एंड द हैप्लोइड गैमेटिक फाइट द अल्टरनेट विद ईच अदर, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द अल्टरनेशन ऑफ द जनरेशन, मतलब इनका जो लाइफ साइकिल होता है सेप्रोफाइट्स का हैज अ टू डिस्टिंक्ट फेज, डिप्लॉइड्स स्पोरोफाइटिक एंड एप्लॉइड गैमेटोफाइटिक, कैसे होता है इसका लाइफ साइकिल, पहले तो स्पोरोफाइट्स होगा जो कि डिप्लॉइड होगा और फिर गैमेटोफाइट होगा जो कि हैप्लॉइड होगा, इसके कहते हैं हम अल्टरनेशन ऑफ द जनरेशन, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड मीन्स पहले स्पोरोफाइट्स होता है और फिर गैमेटोफाइट्स होता है। अब किंगडम एनिमिलिया के बारे में पढ़ेंगे, किंगडम एनिमिलिया जैसे कि हेट्रो ट्रॉफिक यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म, सेल वॉल नहीं होती, हमने पढ़ा था ना एनिमल की स्ट्रक्चर में सेल वॉल नहीं होती, क्या होती है सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन प्लांट्स की स्ट्रक्चर में सेल वॉल होती है जो उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, ओके, डाइजेस्ट देयर फूड इंटरनल कैविटी होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। किंगडम एनिमिलिया के बारे में हम एक सेपरेट चैप्टर में पढ़ेंगे किंगडम प्लांटी के बारे में भी, ओके, लास्ट में हम देखते हैं वायरस, अब वायरस के बारे में तो हमें जानना बहुत ज़रूरी है, वायरस को विटिक और ट्रॉफिक के सिस्टम में कोई जगह नहीं दी गई थी क्योंकि वायरस क्या है, ना तो लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है, जब वायरस बाहर एनवायरनमेंट में होता है तो ये क्रिस्टल फॉर्म में होगा, ठीक है, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जब इसको एक मीडियम मिल जाता है यानी कि जब इसको ब्लड मिल जाता है या जब इसको एक रेप्लिकेशन करने के लिए जगह मिल जाती है, को किसी का मीडियम मिल जाता है, किसी की बॉडी में जाता है, ब्लड में जाता है, तो ये रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है और इतना घातक हो सकता है, आप देख ही रहे हो कितना घातक, उसने पूरी दुनिया को हिला रखा है इस वायरस ने, ठीक है, तो लेकिन अभी इसमें पढ़ेंगे वो तो था कोविड-19, लेकिन हम यहाँ पढ़ेंगे एवाइनोवस्की यानी कि TMB पढ़ेंगे, हम यहाँ पर TMB किस लिए दिया था, एवाइनोवस्की ने दिया था, TMB मतलब मोजिक डिसीज ऑफ द टबैको, TMB किसे इफेक्ट करता है, मोजिक डिसीज ऑफ द टबैको मतलब तंबाकू को इफेक्ट करता है, ओके, अबेजर निक डेमोन्स्ट्रेट द स्टेट ऑफ द प्लांट्स ऑफ द टबैको प्लांट से वायरस को सेपरेट किया गया, ओके, जिसे कहते हैं कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम इन्फेक्शन लिविंग फूड, वायरस
दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल. जेनेटिक मटेरियल या तो आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा. वायरस इज अ नो न्यूक्लियो प्रोटीन. न्यूक्लियो प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शन. इनफैक्ट प्लांट हैव द सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए. या तो सिंगल स्ट्रैंडेड होगा या डबल स्ट्रैंडेड होगा या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा. बैक्टीरियल वायरस और द बैक्टीरियोफाज. बैक्टीरियोफाज क्यों कहते हैं? क्योंकि बैक्टीरिया इसकी होस्ट सेल होती है. बैक्टीरिया जिसके स्पाइक्स है ना वायरस के, ये किसी बैक्टीरिया की सेल पर जाकर अटैच होता है जिससे कि बैक्टीरिया को इफेक्ट करते हैं. बैक्टीरियोफाज का मतलब क्या होता है? बैक्टीरिया को खाने वाला, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला. द प्रोटीन कोट कॉल द कैप्सिड. कैप्सिड कैसे कहते हैं? वायरस का जो प्रोटीन कोट होता है इसे कहते हैं हम कैप्सिड. मेड ऑफ द सब यूनिट कॉल द कैप्सोमियर. प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड. ओके, अब वायरॉइड क्या है? नाम तो वायरॉइड है लेकिन ये एक ऐसा वायरस है जिसके अंदर कोई भी जेनेटिक मटीरियल नहीं होता. किसने दिया था ये? डायोनियर ने दिया था. ये इसके अंदर आरएनए नहीं होता, कोई भी जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर नहीं होता. लेकिन ये प्लांट वायरस है. कौन सा प्लांट वायरस है? ट्यूबर डिसीज, पटेंटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज. प्रियोन्स, प्रियोन्स का सिंप्लीफाइड टू द प्रोटीन. एक ऐसा वायरस जो कि प्रोटीन प्रोटीन कोटिंग होता है दैट कैन ट्रिगर द नॉर्मल प्रोटीन इन द ब्रेन फोल्ड और नॉर्मली. मतलब कि ब्रेन में जो नॉर्मल प्रोटीन्स होती है उसको अबनॉर्मली कोस कर देता है. ठीक है, ब्रेन की प्रोटीन को. इसकी कौन सी डिसीज होती है? ह्यूमन एंड एनिमल बाय द इन्फेक्ट मीट प्रोटेक्ट. इन्फेक्ट मीट प्रोटेक्ट के थ्रू ये ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसफर मीडियम होता है. मोस्ट कॉमन डिसीज कॉज बाय द प्रियोन्स, बोवाइन स्पंजीफॉर्म, एनसेफेलोपैथी. ओके, अब लाइकेन्स. लाइकेन इम्पॉर्टेंट है. ओके, लाइकेन इम्पॉर्टेंट है. लाइकेन, लाइकेन क्या है? फंजाई और एल्गी, फंजाई और एल्गी का एसोसिएशन, जिसमें ये एक दोनों एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं. मतलब म्यूचुअल रिलेशनशिप होती है. एल्गी फंजाई को फूड देता है जबकि फंजाई एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करता है. द एल्गी कंपोनेंट फाइकोबायोन. द एल्गी कंपोनेंट फाइकोबायोन जबकि फंगल कंपोनेंट. एल्गी को क्या बोलते हैं? फाइको. फंगल को क्या बोलते हैं? माइको. डोंट बी कन्फ्यूज, फंगल इज माइको. एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई. फंजाई प्रोवाइड शेल्टर. लाइकेन आर गुड पॉल्यूटर, पॉल्यूशन इंडिकेटर. देखो, जहाँ पर पॉल्यूशन होगा, जहाँ पर पॉल्यूशन होगा वहाँ लाइकेन प्रेजेंट नहीं होता क्योंकि दे डू नॉट ग्रो इन द पॉल्यूटेड एरिया. तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं कि ये पॉल्यूशन इंडिकेटर भी है, क्योंकि जहाँ पॉल्यूशन होगा, जहाँ पर एयर पॉल्यूशन होगा वहाँ पर लाइकेन प्रेजेंट नहीं होता. ओके, अब कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, ये क्वेश्चंस आपको फाइंड आउट करने हैं. आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी. थैंक यू.